बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं मोहम्मद ईशान हैदर। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब पिशावर से बनीगाला पहुंच चुके। जब वो बनीगाला पहुंचे तो राना सनाउल्ला जो कि वजीर दाखिला हैं, उन्होंने इमरान खान को वेलकम किया बनीगाला में और कहा कि इमरान खान साहब की जब जमानत ख़त्म हो जाएगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी जो उन्हें अभी सिक्योरिटी दे रही है। नाज़रीन, इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के बाद, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार किए जाने का खदशा था, पिशावर चले गए थे। पिशावर में उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली और प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद वहाँ पर KPK में उन्होंने जलसे किए जो कि बड़े जलसे थे। वहाँ पर प्लान ये बना कि इमरान खान साहब ने प्रोटेक्टिव बेल लिया, अब इनको रास्ते से हटाया जाए। तो पिशावर में उन्हें फिर से थ्रेट्स थी, तो वहाँ की जो सीनियर क्यादत है PTI की, उन्होंने इमरान खान साहब को सख्ती से मना किया कि जलसों में ना जाएं, जलसे ना करें और बाहर ज़्यादा जो आप अपने आप को अंदर तक बाउंड रखें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि इमरान खान मौत के डर से छुप कर नहीं बैठेगा और अपनी जो सियासी जुद्दोजहद है वो जारी रखेगा। तो उसके बाद वहाँ से इमरान खान साहब जब बनीगाला आने का ऐलान किया तो फिर उन्हें खबरें मिली, कुछ अंदरूनी ज़राए से खबरें मिली और उनको एक मरतबा फिर से जो है वो जान से मारने की धमकियां सामने आई और खबरें जो है ये सामने आई। तो इमरान खान साहब ने बाबर अवान के ज़रिए एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया और बाबर अवान साहब को कहा कि आप एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करें और ये शेयर करें और पूरी कौम को बताएं सूरत हाल क्या चल रही है। तो बाबर अवान साहब ने रात एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरा है और अगले 24 से 48 घंटों में जो है ये कुछ ना कुछ खुदा ना खासा इस तरह का खौफनाक और बड़ा जो है स्टेप लिया जा सकता है इमरान खान साहब के खिलाफ। तो आज से बल्कि रात से जो है आज दिन से बनीगाला के अतराफ जो है एक मरतबा फिर PTI के कारकुनान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। रात तक वहां पहुंच जाएंगे और जिस तरह पहले PTI के कारकुनान ने बनीगाला के अतराफ कैंप्स लगाकर इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दी थी, एक मरतबा फिर जो है कारकुनान पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इमरान खान साहब के बनीगाला के अतराफ उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। PTI का कोर कमेटी का इजलास आज जो कि तकरीबन 3.5 घंटे तक जारी रहा, उसमें 3 से 4 अहम फैसले किए गए। शाह महमूद कुरैशी जो कि उन्होंने प्रेस टॉक करते हुए कहा कि आज के इजलास में ये फैसला हुआ कि सबसे पहले जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हम भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे तमाम सीटों पर। दूसरा फैसला ये हुआ नाज़रीन के नेशनल असम्बली में जो इस्तीफे दिए थे PTI के MNAs ने, और अभी राजा परवेज अशरफ जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो उन्हें तस्दीक के लिए बुलाना चाह रहे हैं। PTI ने फैसला किया है कि हमारा कोई MNA राजा परवेज अशरफ के पास तस्दीक के लिए नहीं जाएगा क्योंकि हम पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, अब मजीद तस्दीक की जरूरत नहीं रही। तीसरा फैसला ये हुआ कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर पूरे पाकिस्तान में शदीद रद्द अमल सामने आएगा और उन्होंने अपने कारकुनान को और अपने तमाम पूरे जो पाकिस्तान में जिलाई अहदेदारान हैं या जितने भी तंजीम के अहदेदारान हैं सबको ये एक मैसेज कन्वे किया कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो आपने फौरन रद्द अमल देना है, फौरन एहतजाज शुरू करना है, हमारी किसी कॉल का इंतजार नहीं करना। सेम मैसेज इस तरह PTI की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से पहले भी दिया गया था जब वो लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले की बात हो रही थी। तो अब दोबारा यही फैसला हुआ कि फौरन रद्द अमल आएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने गवर्नमेंट को भी वार्न किया है कि इस तरह की कोई बेवकूफ़ी मत करना क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, इमरान खान साहब को गिरफ्तारी की सूरत में बहुत शदीद रद्द अमल सामने आएगा और मुल्क जो है वो इस रद्द अमल का मुतामिल नहीं होगा। और एक और अहम फैसला जो कि आज के PTI कोर कमेटी के इजलास में हुआ, लॉन्ग मार्च की जो इमरान खान साहब ने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया उसके बाद वो फैसला ना हो सका, आज ये फैसला हुआ कि 15 जून तक जो है लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दी जाएगी, बजट तक वो इंतजार करेंगे। जब तक बजट पेश नहीं किया जाता उस वक्त तक लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दी जाएगी, लेकिन 15 मार्च के बाद जो है वो लॉन्ग मार्च की तारीख दी जाएगी और अपनी सियासी जिदोजहद जो है वो PTI जारी रखेगी, इमरान खान साहब जारी रखेंगे। और एक मतलब फिर प्लान ये बनाया गया है कि इमरान खान साहब पंजाब में दोबारा से जलसों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जो कि कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। तो ये तो आज की सूरत हाल थी नाज़रीन जो कि PTI की कोर कमेटी के इजलास के हवाले से थी और इमरान खान साहब की वापसी के हवाले से थी। इमरान खान साहब वापस आ चुके बने पिशावर से वापस आ चुके हैं और वह बनीगाला में हैं और अपने जो जो लोग उन्हें बातें कर रहे थे, ताने दे रहे थे कि इमरान खान साहब पिशावर में जाकर छुप गए हैं, गिरफ्तारी के डर से छुप गए हैं,
तो उनको इमरान खान साहब ने आज पैगाम दिया है कि मैं वापस आ चुका हूं, बनी गाला में मौजूद हूं, जिसने गिरफ्तार करना है आकर कर ले आज का। और नाजरीन आज की दूसरी खबर ये कि एक मरतबा फिर एक ऑडियो जो है सामने आई है, एक ऑडियो लीक हुई है और उससे बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो बनाकर एक मरतबा फिर पेश किया जा रहा है। उस ऑडियो लीक में कोई 3 से 4 नाम लिए गए, उसमें फरा गोगी, बुशरा बीबी, इमरान खान साहब का नाम लिया गया और कहा यह जा रहा है कि वो ऑडियो जो है मलिक रियाज और उनकी बेटी के दरमियान जो बात हुई है, जो कॉल हुई है, उसको मंसूख किया जा रहा है इमरान खान साहब से और उनकी एहलिया जो है बेगम जो है बुशरा बेगम उनके साथ जो है उनको मंसूख किया जा रहा है, साथ उसमें फरा गोगी का भी नाम लिया गया। तो नाजरीन इस ऑडियो में एक मरतबा फिर वही बात कि जो पहले मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की ऑडियो लीक हुई और उसमें इमरान खान साहब का कहीं जिक्र भी नहीं था, जिक्र ये था कि खान साहब कहा जा रहा था। मतलब अब दोबारा इसी तरह बाप बेटी के दरमियान बात हुई है, उसमें 2 से 3 नाम ले दिए गए और कहा गया कोई गिफ्ट देने की, कोई रिंग देने की बात हो रही है और कहा गया कि ये जो है वो इमरान खान साहब या बुशरा उनकी जो एहलिया हैं उनकी तरफ जो है ये डिमांड की गई है या उनको ये गिफ्ट देना है। नाजरीन ये मतलब क्या तरीका है कि कोई अगर मेरा दुश्मन है, मेरी किसी के साथ दुश्मनी है तो मैं किसी को कॉल करता हूँ, अपने किसी दोस्त को मैं प्लान करता हूँ कि हम आपस में, अब मैं अपने दुश्मन का कहता हूँ, अपने जो मेरा मुखालिफ है उसके बारे में हम बात करेंगे और हम इस कॉल में ये बात करेंगे और वो कॉल रिकॉर्ड करते हैं और फिर वो हम जो है वो उसको पब्लिक कर देते हैं, देखें जी, और उसको मंसूब कर देते हैं कि मैं उसके बारे में ये बात कर रहा हूँ और ये इल्ज़ाम लगा दें कि ये उसने कहा था। मतलब कोई सोचने समझने वाली बात है कि दो लोग आपस में बात करें और अपने मुखालिफ के बारे में बात करें और फिर ये जो है वो पूरे पाकिस्तान में और पूरे मुल्क में ये बात फैला दी जाए, देखे जी ये तो इनका हालात हैं, इनकी ऑडियो सामने आ गई है, ये इनकी करप्शन है, ये इनकी चोरी की दास्तान है, तो कुछ भी इस तरह करके आप शेयर कर दो और आप आवाम को एक मरतबा दोबारा जो है वो गुमराह करो कि इमरान खान साहब ने देखें किस किस तरीके से है वो करप्शन की है, किस किस किन किन लोगों के जरिए जो है वो करप्शन की है। और दूसरा सोचने की बात ये है कि इमरान खान साहब के बारे में जो मंसूब की जा रही है ऑडियो वो दूसरी मरतबा मलिक रियाज के साथ क्यों की जा रही है, पहली ऑडियो भी मलिक रियाज के साथ की गई, अब दूसरी ऑडियो भी है वो भी मलिक रियाज के साथ की गई। और दूसरा अहम सवाल ये कि जो उनकी मलिक रियाज और उनकी बेटी के दरमियान जो कॉल हुई है वो रिकॉर्ड कैसे हुई और फिर वो शेयर किसने की, क्या उनकी बेटी ने की या मलिक रियाज ने की, सोचने की बात ये है कौन है वो जो इस तरह की वीडियो ऑडियोज जो है वो रिकॉर्ड करवा कर शेयर कर रहा है सिर्फ इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम करने के लिए। लेकिन ये वो शेयर कंडे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इमरान खान साहब की मकबूलियत पर और ना ही उनका मकबूलियत का ग्राफ इससे गिराया जा सकता है और ना ही उनकी जो स्ट्रगल है, जो उनकी तहरीक है, उसको किसी तरीके से कम किया जा सकता है।